खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को 13 जून को लाहौर रजिस्ट्री में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ की नाहली के खिलाफ अपील पर समाप्त हुई। और ये सैयद परवेज मुशर्रफ कौन है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। परवेज मुशर्रफ मुल्क के साबिक आर्मी चीफ और सदर रहे। वकील सफाई का ऐसा कहना था, परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी गुज़िश्ता इंतखाबात में मंजूर नहीं हुए। वकील सफाई ने ऐसे दलाइल भी दिए, परवेज मुशर्रफ को कहें कि पाकिस्तान आ जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आएं और आकर कागजात नामजदगी जमा कराएं। और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान तशरीफ लाकर कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो वसूल कर लिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने ऐसे रिमार्क्स भी दिए, आप परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार ना करने का तहरीरी हुक्मनामा भी लिखवाएं। वकील सफाई ने ऐसी दरख्वास्त की और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम लिखवा देते हैं, परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार ना किया जाए। परवेज मुशर्रफ कागजात नामजदगी जमा कराने पर पाकिस्तान आए तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने ऐसे अहम रिमार्क्स भी दिए। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को 13 जून को लाहौर रजिस्ट्री में तलब कर लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ की नाहली के खिलाफ अपील पर समाप्त हुई और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये सैयद परवेज मुशर्रफ कौन है। परवेज मुशर्रफ मुल्क के साबिक आर्मी चीफ और सदर रहे हैं। वकील सफाई का ऐसा कहना था और ये भी उन्होंने दलाइल दिए कि परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी गुज़िश्ता इंतखाबात में मंजूर नहीं हुए। परवेज मुशर्रफ को कहें कि पाकिस्तान आ जाएं। ऐसे में चीफ जस्टिस ने ऐसे रिमार्क्स दिए और ये भी कहा कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आएँ और आकर कागजात नामजदगी जमा कराएँ। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान तशरीफ लाकर कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो वसूल कर लिए जाएंगे। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स भी सामने आए।